गांधीनगर नेशनल फोरेन्सिक साइंस यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम केन्द्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू नु मोटू निवेदन सामने आव्यु। राजकारणीओ फसाय त्यारे जज ने आगळ धरावे छे, अमारी वच्चे कोई टकराव नथी तेवुं किरण रिजिजूए जणाव्युं छे। साथे कह्युं छे के जजो जे कहे छे ते लागु अमारे करवानुं होय छे। सरकार अने न्यायपालिका वच्चे तालमेल खूब जरूरी छे। एवा घणा कायदाओ छे जेमनो अमल नथी थतो। आ सरकार एकदम एक्शन मोडमां छे। आराम शब्द ज डिक्शनरीमांथी हटी गयो छे। पीएम रजा नथी लेता तो मंत्रीओ केवी रीते रजा लई शके। अमे गुजरातथी घणुं शीखीए छीए तेवुं किरण रिजिजूनुं कहेवुं छे। खेल महाकुंभ शक्तिदूतना आधारे आ योजना दिल्ली में लागू करी राष्ट्रीय स्तरे शक्तिदूत योजना ने लागू करवानो लाभ मळ्यो छे। सौथी वधु मेडल मळ्या तेनुं एक कारण छे शक्तिदूत योजना। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इवन लोअर जुडिशियरी में कोई जब इशू हम देखते हैं तो मैं सोचता है कि कभी कभी जजमेंट भी आते हैं या हियरिंग के दौरान कमेंट्री भी हमको सुनने मिलते हैं। आजकल क्योंकि मीडिया बहुत प्रोएक्टिव है तो मीडिया के माध्यम से भी जजेस का एंग्विश भी सुनने मिलता है, कभी कभी डिससेटिस्फेक्शन भी हमको सुनने मिलता है। तो जजेस लोग जो कहते हैं जो सोचते हैं उसको एग्जीक्यूट तो हमको करना है, तो हम प्रोएक्टिव नहीं होंगे तो कितना बढ़िया जजमेंट आता है और पता चलता है कि इतने दिन हो गए वो जजमेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो कंटेम्प्ट का दर्द रहता है। लेकिन कभी कभी हम कंटेम्प्ट का बात छोड़ दें तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कि कंटेम्प्ट का डर से ही हम करें। इट इज समथिंग ऑन द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट। ये एक तालमेल लोकतंत्र में बहुत ही एक जीवित हम लोगों का एक लाइवली एक हम लोगों का बीच में रिश्ता होना बहुत जरूरी है। और लेजिस्लेचर में क्योंकि हम लोग मैं प्राइमरीली आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हम लोग तो कानून बनाते हैं तो उसमें हम लोग जब भी कानून बनाते हैं हम लोग इंटेंट क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है हम लोग कहता है। लेकिन हमको भी फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम कानून बनाते हैं लेकिन उसका जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाते। मेनी लॉज विच आर लाइंग लो बहुत बड़े हुए हैं लेकिन लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं हमारे बहुत ही विजनरी प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो जो माहौल है या जो इम्प्रेशन है वो काफी हद तक दूर हो चुके हैं। नाउ दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ एक्शन। हम बिल्कुल एक्शन मोड में डाल चुके हैं। कोई रेस्ट नहीं, कोई वेकेशन नहीं, कोई हमारा इस डिक्शनरी में आराम शब्द ही नहीं है, हमने हटा दिया है। जो प्राइम मिनिस्टर खुद के लिए लेते हैं मंजूर करते हैं खुद के लिए लेते हैं हम लोग तो बस सुबह शाम दिन रात लगता है। कल रात जब मैं 3:30 बजे सोए, 5:30 बजे उठे, 2 घंटा मैंने सोया और फिर मुझे गुजरात आना था। અમદાવાદના કાંકરિયામાં ટ્રાન્સ સ્ટેડિયા ખાતે ભારતના પહેલા આર્બિટ્રેશન સેન્ટર ઓફ ઇન્ડિયાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। કેન્દ્રીય મંત્રી કિરણ રિજિજુના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। ઓલિમ્પિકના ખેલાડીઓને કાયદાકીય રક્ષણ આપવા અને તેની સમજણ પૂરી પાડવા એક પ્રકારની કોર્ટ શરૂ કરાઈ છે। આ સેન્ટરમાંથી જજની ઉપસ્થિતિમાં કેસમાં ફસાયેલા ખેલાડી અને તેના વકીલને સંભાળીને કોર્ટ ન્યાય આપશે। અત્યાર સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ કાયદાકીય પ્રક્રિયા થતી હતી। देखिए मैं एक दिन का दौरा में आया हूँ गुजरात में और बड़ा काम हमको करने का मौका मिला क्योंकि अभी मैं ट्रांस स्टेडियम में हूँ और स्पोर्ट्स को लेकर के ट्रांस स्टेडियम ने बहुत बड़ा काम किया है और अहमदाबाद को एक स्पोर्ट्स सेंटर के हिसाब से आगे ले जाने का काम किया है। अभी मैं इस स्टेडियम में मैं पहले भी आ चुका हूं और यहां जो फैसिलिटीज़ के साथ साथ आज स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठा रहे हैं उसको बल देने के लिए आया हूं।